शेखर रावण के बारे में बार बार मैं कहता हूं, वो कोई हिंदू नहीं है, वो कोई दलित नहीं है, वो 100 करोड़ पीएफआई से लेके पीएफआई का गुलाम बन चुका है। वो दलितों और मुसलमानों को एकत्रित करना चाहता है। वो उसको इसी बात का तो पैसा मिला हुआ है जी। कि तुम जाके जात पात वहाँ फैलाओ। चंद्रशेखर रावण के पास आज से 4 साल 5 साल पहले तक एक चौनी नहीं थी, आज 30-30 फॉर्चुनर कहाँ से आई, कोई उस सवाल पूछ सकता है? दलित के नाम पे आप कितने दिन राजनीति कर लोगे? चंद्रशेखर रावण अपने आप को दलितों का मसीहा बताते हैं जी। क्या किया है उन्होंने दलितों के लिए, कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, जब प्रिया सोनी का जौनपुर में रेप हो जाता है जी। और वो दलित समाज से आती है, वहाँ पे रेप करने वाला मुस्लिम समाज का व्यक्ति होता है, ठीक है, तो वहाँ पे चंद्रशेखर रावण नहीं जाएगा, क्योंकि चंद्रशेखर रावण का भाई है ना वो। देखिए, चंद्रशेखर रावण के बारे में बार बार मैं कहता हूँ, वो कोई हिंदू नहीं है, वो कोई दलित नहीं है, वो 100 करोड़ पीएफआई से लेके पीएफआई का गुलाम बन चुका है। वो दलितों और मुसलमानों को एकत्रित करना चाहता है। वो उसको इसी बात का तो पैसा मिला हुआ है जी। कि तुम जाके जात पात वहाँ फैलाओ। चंद्रशेखर रावण के पास आज से 4 साल 5 साल पहले तक एक चौनी नहीं थी, आज 30-30 फॉर्चुनर कहाँ से आई, कोई उस सवाल पूछ सकता है? दलित के नाम पे आप कितने दिन राजनीति कर लोगे? देखिए, दिक्कत इस बात की है कि चंद्रशेखर रावण को जो इस्लामिक कंट्री है, जो पीएफआई को फंडिंग करती है, जो हलाला फंडिंग आती है, ये फंडिंग उसको इसलिए मिल रही है कि तुम ऐसा करो, तुम दलित या तो दलितों में तमाम जो कास्टिज्म है, वो ब्राह्मण दलित क्षत्रिय ये सब शूद्र बन उनको बांटो, बांटने का तुमको इंस्टॉलमेंट में हम भुगतान करेंगे। चंद्रशेखर रावण जातियों का जिस तरीके से जहर घोल रहा है पूरे भारतवर्ष में, ये खतरनाक है या नहीं देश के लिए? देश के लिए देखिए बहुत खतरनाक है। जो हमारी संस्कृति है जी। हमारे जो 16 संस्कार हैं, हमारे 16 संस्कार में जन्म से लेकर मरण तक क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण ये चारों वर्ण व्यवस्था की जो है उसको कहीं ना कहीं सबसे एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे जब विवाह होता है तो एक मातृपूजन होता है, उसमें जब तक वो मेरी दाई माँ जो नाड़ा काटने वाली माँ होती है, जब तक वो आके और दूल्हे के बगल में दाई माँ नहीं आती है, तब तक वो संस्कार विवाह के पूरे नहीं होते हैं। तो आप बताइए हमारे यहाँ जाति पाति कहाँ था? आप समझिए कि जो हम छठ मनाते हैं, जो पवित्र हमारा त्यौहार है, पवित्र त्यौहार में जो कलशुभ बनता है वो हमारा डोम भाई बनाता है, कहाँ जात पात था? जो हम मुकुट पहनते हैं जो बांस से बनता है, जिसको मोर बोलते हैं विवाह में, वो हमारा डोम भाई बनाता है। नाई हमारे बगल में बैठता है, दाई माँ हमारे बगल में बैठती है। आप मुझे बताइए कि जन्म देने वाली माँ से पहले नाड़ा काटने वाली माँ के गोद में हम जाते हैं, आप कैसे कहाँ जात पात था? तो ये चंद्रशेखर रावण जैसे लोग, ये बामन मेश्राम जो बामसिप का अध्यक्ष है उसके जैसे लोग, या कन्हैया कुमार जैसे लोग, हार्दिक पटेल जैसे लोग, जिग्नेश मेवानी जैसे लोग, ये अरविंद केजरीवाल जैसे लोग, ये सिर्फ यहाँ पे वामपंथियों से पैसे लेके, इस्लामिक कंट्री से पैसे लेके यहाँ तोड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप अभी देखे होंगे चंद्रशेखर रावण के तर्ज पे एक जीतन राम मांझी, वो कहता हूँ भगवान को ही नहीं मानते और उसके नाम के आगे जीतन राम मांझी लगा हुआ है। हिंदू आर्मी उसको भी चैलेंज की है कि वो अगर आज के डेट में मुख्यमंत्री की सुरक्षा ना उसके पास होती, प्रोटोकॉल ना होता, तो उसको अपनी औकात पता लग जाती है, हमें हिंदुओं को बांट रहा है, वो सत्यनारायण की पूजा पे क्वेश्चन उठा रहा है, वो सत्यनारायण की पूजा पे क्वेश्चन नहीं उठा रहा है, वो सिर्फ एक जाति को करके, क्योंकि यहाँ का इतिहास रहा है, कश्मीर से जब लोग भगाए जा रहे थे तो सिर्फ ब्राह्मण नहीं भगाए जा रहे थे, लेकिन वहाँ पे ये कहा गया कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित, कश्मीरी पंडित करके ये प्रोपोगेट किया गया पूरे देश में कि कश्मीरी पंडित, जबकि हर जाति और विशेष के लोग वहाँ पे थे और वहाँ पे यही इस्लामिक जिहाद फैलाने वाले लोग, इस्लामिक कंट्री के लोग जो यहाँ गजवाएं हिंद लागू करना चाहते हैं, जो शरीयत से चलते हैं, वहाँ से हिंदुओं को भगाए, उसको कश्मीरी पंडित का नाम दिया गया, वो भी भारत को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो यहाँ पे क्या है कि वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण को गाली दे दो, क्षत्रिय को गाली दे दो, उसको गाली दे दो, उसको गाली दे दो, जात पात में बटे रहेंगे और इनके ये तो जनसंख्या जिहाद कर ही रहे हैं, तो इनका अपना जो लक्ष्य है वो तो पूरा हो ही रहा है। तो ये इस वजह से चंद्रशेखर रावण से हमारी जो है नहीं बनती है, या हम उसके विरोध में हैं, उसके जो षड्यंत्र है उसको उजागर करने में लगे हुए हैं, और कहीं ना कहीं कई बार कानून के
पेच में वो आ चुका है, वो बेल पे दो दो बार उसको सरकारों ने जेल भेजी है, लेकिन यहाँ का ऐसा संविधान है, कानून है कि वो बेल पे जो है रिहा हो गया है। आप मुझे बताइए, मैं हिंदू आर्मी इस बात की कई बार मांग कर चुकी है कि जो भी जाति विशेष पे ये टिप्पणी करने वाले लोग हैं उन पे तो राष्ट्रद्रोह का केस लगा के आजीवन कारावास पे डाल देना चाहिए। जितनी जातीय संगठन हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं देखिए, हिंदू आर्मी जातीय संगठन का विरोध करती है, मैं बिल्कुल सभी से आह्वान करता हूँ, चाहे वो क्षत्रिय महासभा हो, हिंदू महासभा हो, एक महासभा बनाओ। हिंदू महासभा एक बार समझ में आता है, वही उसी का एक पैटर्न है हिंदू आर्मी। मैं ये जात पात में बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ, और हमारा सनातन समाज कभी जात पात में था भी नहीं। हम कर्म से शूद्र हो सकते हैं, कर्म से क्षत्रिय हो सकते हैं, कर्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, कर्म से वैश्य हो सकते हैं, लेकिन जो है ये जात पात का हिंदू आर्मी बिल्कुल विरोध करती है और इसके बिल्कुल साथ नहीं है। और एक दिन ऐसा आएगा जो हमारा अभियान काम आएगा, और भारत का ये जो भी हमारा, चाहे वो शूद्र भाई हो, क्षत्रिय भाई हो, वैश्य भाई हो, हम एक साथ होंगे और जो हिंदू राष्ट्र से सुशोभित हिंदू राष्ट्र बनाएंगे।